सावधान पूर्वांचल आप देख रहे हैं सियासत में। पूर्वांचल ने देश की सियासत को जो दिया वो शायद ही किसी और हिस्से ने दिया होगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, यानी पूर्वांचल ने शुरुआत से ही सियासत को दिशा दी। तो फिर इसका सिला उसे क्यों नहीं मिला? यहां से निकलकर नेता देश के विकास का दम तो भरने लगे, लेकिन पूर्वांचल को ही भुला बैठे। उस पूर्वांचल को जिसने उन्हें सियासी मकाम दिया, ताकत दी, रुतबा दिया, फिर पूर्वांचल क्यों बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और यह पूछने पर मजबूर है कि आखिर विकास की दौड़ में उसकी अनदेखी क्यों हुई? क्यों पूर्वांचल दशकों से यूं ही ठगा जाता रहा? कहीं फिर एक बार ऐसा ही न हो, और इसीलिए सावधान पूर्वांचल। मैं पूर्वांचल, सियासत की उर्वर जमीन, बदहाल, बर्बाद, बेहद गरीब, क्यों डूबता उतराता रहा? कहां है वो 150 विधायक, 32 सांसदों को ढूंढो तो, प्रधानमंत्री जी आप तो करीब हैं, मुख्यमंत्री जी कब बदलेगा मेरा नसीब, मंत्री जी आप ही दे दो जवाब, कब तक यूं ही ठगा जाता रहूंगा? अब और नहीं, अब तो देना होगा जवाब। सावधान पूर्वांचल। दरअसल 28 जिलों से मिलकर बना है पूर्वांचल का इलाका, लिहाजा इतने बड़े इलाके की ताकत, खासकर सियासी ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पूर्वांचल की जो मौजूदा तस्वीर है वो ऐसे किसी भी रुतबे के हर मिथक को झुठला देती है, फिर चाहे वो खुद देश के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व हो, या फिर यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया की अगुवाई, या फिर दिग्गज नेताओं की फौज ही क्यों ना हो। पूर्वांचल के हिस्से कुछ आया तो सिर्फ बदहाली। क्यों खाली हाथ रहा पूर्वांचल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सियासत में ये जुमला खासा मशहूर है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी की सियासत कौन तय करता है। जवाब है पूर्वांचल। यूपी के 28 जिलों के वजूद को खुद में समेटे वो इलाका जिसने देश की सियासत को तय तो किया, लेकिन बदले में दशकों से खाली हाथ ही रहा। केंद्र या राज्य में सत्ता किसी की रही हो, पूर्वांचल की अनदेखी हमेशा हुई। आखिर क्यों यूपी की सत्ता को एक दो नहीं पूरे 150 विधायक और केंद्र की सियासत को 32 सांसद देकर भी पूर्वांचल बदहाली और पिछड़ेपन को झेलने पर मजबूर है? जिस सियासत को पूर्वांचल ने सींचा, हैरानी है कि उसी सियासत ने पूर्वांचल को जड़ों तक ऐसा खोखला कर दिया कि बर्बादी, गरीबी और बदहाली को समेटने में दशकों लग जाएंगे। जबकि केंद्र से लेकर राज्य तक पूर्वांचल के नेताओं की धाक है, संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक कई दिग्गज नेता पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री कलराज मिश्र देवरिया से सांसद हैं, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले महंत आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं, कई संसदीय कमेटियों में शामिल राजेश पांडे कुशीनगर से सांसद हैं, जबकि कुशीनगर से पिछला चुनाव हार चुके आरपीएन सिंह पिछली यूपीए सरकार में ताकतवर मंत्री रहे। अब सवाल ये कि इतने ताकतवर नेताओं के बाद भी पूर्वांचल विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल से एमपी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, उनका काम तो हो गया, उनका ध्यान वहीं तक था, वो ध्यान पूरा हो गया। अब एमपी भी हो गए बनारस से और प्रधानमंत्री हो गए,
तो पूर्वांचल की धरती से तो उनको कोई मतलब था नहीं। उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, गंगा मैया ही का कुछ कर दिए होते अगर पूर्वांचल का कुछ नहीं करना चाहते थे तो। पूर्वांचल को मिला इतना ताकतवर प्रतिनिधित्व भी इलाके की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाया, इस सवाल का जवाब भी पूर्वांचल में ही छिपा है। आंकड़ों पर गौर करें तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी सांसद निधि में मिला पैसा खर्च ही नहीं किया। ऐसा ही हाल बलिया से सांसद भरत सिंह का भी है, जिन्होंने सांसद फंड से मिले पैसे से इलाके में कोई काम ही नहीं कराया। देवरिया से सांसद कलराज मिश्र ने भी सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं किया, जबकि केंद्र में वो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाले मंत्रालय को संभाल रहे हैं। फिर क्यों पूर्वांचल में दम तोड़ते उद्योगों पर उनका ध्यान नहीं गया? गाजीपुर से सांसद और केंद्र में रेल राज्य मंत्री का ओहदा संभाल रहे मनोज सिन्हा से भी इलाके की जनता को निराशा हाथ लगी, जबकि कुशीनगर से सांसद राजेश पांडे ने सांसद निधि से सिर्फ आधा पैसा खर्च किया। ये हाल तब है जबकि सियासी रुतबे के आधार पर पूर्वांचल का कोई सानी नहीं। 32 लोकसभा सीटों में से 31 पर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का कब्जा है, जबकि 32वीं सीट भी कम ताकतवर नहीं। जी हां, आजमगढ़, जहां से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह, जिनकी सरकार यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी और उनका सियासी रुतबा भी किसी से छिपा नहीं। फिर पूर्वांचल की झोली कैसे खाली रह गई? जानकार भी मानते हैं कि पूर्वांचल की बदहाली के लिए नीति बनाने वाले जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यहां की स्थानीयता को इग्नोर किया। जब भी पूर्वांचल की बदहाली का जिक्र होता है, बात विशेष पैकेज या अलग राज्य की मांग पर सिमटने लगी है, जबकि जरूरत एक ठोस रणनीति बनाने की है। जरूरत बुनियादी तौर पर पूर्वांचल को समझने की है। जानकार भी कहते हैं कि पूर्वांचल का विकास आप गुजरात की तर्ज पर सीएसआर एनजीओ और सिविल सोसाइटी के जरिए नहीं कर सकते। वो पूर्वांचल की बदहाली के लिए यहाँ की लीडरशिप को जिम्मेदार मानते हैं। तो वहाँ तो ये सब इस तरह के प्रोग्राम्स चल सकते थे, ये एनजीओ किस्म के प्रोग्राम, लेकिन उत्तर प्रदेश इतिहास में जन चेतना बड़े जन आंदोलन का केंद्र रहा है, वहाँ ये फीका पड़ जाता है। साफ है कि पूर्वांचल पिछड़ेपन की अंधेरी गलियों में गुम होता जा रहा है। वहीं सरकारें हर बार की तरह जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने के खेल में लगी हैं। वहीं सवाल पूर्वांचल के लिए बनने वाली नीतियों पर भी है। चाहे केंद्र हो या राज्य, दोनों ही जगहों पर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाने में पूर्वांचल की अहम भूमिका रही, लेकिन उसे क्या मिला? अखिलेश सरकार की अनदेखी किसी से छिपी नहीं। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पिछले सरकारों की तरह ही डेवलपमेंटल जंप की गलती दोहराने में लगी है, जबकि पूर्वांचल को जरूरत है बेसिक डेवलपमेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। राज्य हो या केंद्र, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, यहां तक कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, पूर्वांचल के हिस्से सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, बदहाली ही आई। सियासत के लिए राह आसान बनाने वाला पूर्वांचल हर बार सियासी बिसात पर एक मोहरा बनकर ही रह गया, और जब विकास की बात आई तो हिस्से में या तो वादे और दावे आए या फिर सियासी वार पलटवार की बयानबाजी। आम जनता तो बस विकास की राह ही तकती रह गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, तो वहीं पूर्वांचल में भी हर बार की तरह इस बार भी वोटों की फसल तैयार हो चुकी है और उसकी देखरेख करने वाले नेताओं का आना भी शुरू हो गया है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि सियासी रूप से अहम पूर्वांचल का कभी विकास से कोई लेना देना ही नहीं रहा और ना ही सरकारों की प्राथमिकता में कभी पूर्वांचल के लोग रहे। समस्याओं और पूर्वांचल का चोली दामन का साथ हो गया है और आपका चैनल इंडिया 24/7 लगातार पुरजोर तरीके से पूर्वांचल की आवाज उठा रहा है। जानकार भी मानते हैं कि पूर्वांचल के बदहाली के लिए यहां की लीडरशिप जिम्मेदार है। अगर केंद्र और राज्य में यहां के नेता राजनीतिक एकता का परिचय देते हुए दबाव बनाते तो माहौल बदल सकता था। हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था देश की संसद में और लखनऊ की विधानसभा में, उसने कभी भी अपने इलाके के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का जो देश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारे नेताओं का असर था, उसका इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया और इसके लिए वो दोषी हैं। पूर्वांचल किस कदर बदहाल हो चुका है, इसकी वानगी इन आंकड़ों से साफ हो जाती है। यूपी के पिछड़े 2100 गांव में से 1100 गांव पूर्वांचल के हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों में से 3 जिले पूर्वांचल के हैं।
न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में पूर्वांचल के 4 जिले शामिल हैं। पूर्वांचल की 80% आबादी गरीबों की है, 25% आबादी भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की है। विकास की रफ्तार की सुस्ती तो यहाँ ऐसी है कि प्रति 1 लाख आबादी पर 25 किलोमीटर पक्की सड़क है और इलाके में 75% जोत 5 एकड़ से भी कम है। पिछले 30 सालों में किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। लगातार होते प्रवास ने पूर्वांचल को लेबर एक्सपोर्ट जोन में बदल दिया है। साफ है कि बदहाली की तस्वीर हर बीतते साल के बाद बदतर ही होती गई, लेकिन इलाके के प्रतिनिधि तो जैसे यहाँ की समस्याओं से मुंह ही मोड़ चुके हैं। हालांकि ये और बात है कि दावों और वादों का दौर है कि थमता नहीं। सर, आपने अपने एरिया के लिए क्या क्या किया, मुख्य कुछ 5 बातें? देखिए, हमारे यहाँ तमाम समस्या कनेक्टिविटी की थी, सड़कों की कनेक्टिविटी की थी। आप हमारे यहाँ पड़रौना अगर जाएंगे तो दिल्ली में जिस तरह की सड़कें होती हैं उस तरह की सड़कें आपको पड़रौना मिलेगी। तो आज कनेक्टिविटी पड़रौना की ब्रॉड गेज से कनेक्टिविटी है। चूल्हे की बात प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ जितनी गैस एजेंसीज पड़रौना में है और रिक्शा वाले तक गैस को दिलवाने का काम हमने किया था। वहाँ तमाम ऐसी सुविधाएं हमने जनता को देने के लिए, बिजली का अगर देखा जाए तो राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना से 99% गांव विद्युत से पूर्ण है मेरे लोकसभा क्षेत्र में। वही चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो चले हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने पूर्वांचल की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इन्होंने बाढ़ सूखे में पैसा नहीं दिया। पूर्वांचल सबसे ज्यादा प्रभावित है, बाढ़ से भी प्रभावित है जो नेपाल से पानी आता है, और सूखा वहां पे विकराल रूप धारण किए हुए, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्वांचल का अपराधी अगर कोई है तो सबसे बड़ा अपराधी भाजपा की केंद्रीय सरकार। जब उत्तर प्रदेश में 50 जिले प्रभावित है तो सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की प्रभावित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी दुनिया में तो दौरा कर रहे हैं। एक बार बुंदेलखंड चले जाते, पूर्वांचल में चले जाते और जो जिलों की स्थिति कहीं चले जाते, तो कम से कम उनको रियल स्थिति देखने मिलती। हालांकि सवाल तो सूबे की अखिलेश सरकार पर भी है। वो इलाका जो पूरी ईमानदारी से देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा, काबिल जनप्रतिनिधि भेजता रहा, उसके साथ ऐसा सलूक कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि पूर्वांचल में पिछड़ेपन, गरीबी और बदहाली की जल्द सुबह हो। दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो साफ है कि राजनीतिक उदासीनता ने पूर्वांचल को बदहाली की गर्त में धकेल दिया। जब भी सवाल पूर्वांचल के विकास का उठता है तो हर बार अलग राज्य का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। सवाल ये कि क्या अलग राज्य बनने भर से पूर्वांचल की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हल निकल पाएगा? कम से कम पूर्वांचल को करीब से समझने वाले ऐसा नहीं मानते हैं। क्यों, ये दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। यूपी में जब भी विकास की बातें हुई उसमें पूर्वांचल हमेशा से आखिरी पायदान पर ही रहा, जबकि इसको लेकर होने वाली सियासत न केवल सूबे की बल्कि केंद्रीय सियासत को भी प्रभावित करती रही। लेकिन वक्त बीतने के साथ पूर्वांचल लगातार पिछड़ेपन की गर्त में जाता रहा। खासकर ग्रामीण इलाकों की तस्वीर तो ऐसी हो गई कि जैसे शासन प्रशासन की कभी यहां नजर ही नहीं पड़ी, जबकि पूर्वांचल शुरू से राजनीतिक चेतना की भूमि रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके मिजाज को सही तरीके से समझा ही नहीं। जबकि इसके लिए जरूरी है कि जमीनी स्तर पर चीजें ठीक की जाएं ताकि पूर्वांचल में भी स्टार्टअप की बात हो सके, क्योंकि सच तो यह है कि बिजली पानी से ही अभी तक यहां के लोग ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जानकारों की माने तो पूर्वांचल का विकास तभी मुमकिन है जब इसको एक खास जोन के हिसाब से पैकेज मिले। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में हर साल दर्जनों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मर रहे हैं। सरकार ने पूर्वांचल में अस्पताल तो खोले लेकिन वो हैं बस नाम मात्र के। सड़कें बदहाल हैं, बिजली मिलती नहीं, औद्योगिक विकास का नामो निशान खत्म हो चुका है।
खेतों का छोटा सा होता आकार परिवार के भरण पोषण के लिए काफी नहीं, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल से पलायन करने को मजबूर हैं। आज पूर्वांचल की स्थिति यह है कि जो किसान है छोटे किसान है, यहाँ फालतू जमीनें ज़्यादा नहीं हैं जहाँ से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप बैठा सके। शुगर मिल थे वो भी बंद हो गए और सरकारों की कोई पहल उसके प्रति नहीं है, ये बहुत दुखद है। और छोटे छोटे डेवलपमेंट के कार्य से ही ये डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा लाल आतंक भी इस इलाके में अपने पैर पसार रहा है। वहीं गैंगवार, वसूली, तस्करी, कोयला माफिया और ड्रग माफिया का खौफनाक जाल पूर्वांचल को अपने चंगुल में जकड़े है। उस पर विकास की कमजोर रफ्तार और बेरोजगारी ने पूर्वांचल की समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। और इन्हीं समस्याओं के बीच पूर्वांचल को कई बार दिखाया गया अलग राज्य का सपना, इस बार फिर से शगुफा जोर पकड़ रहा है। जितनी भी सरकारें हैं वो पूर्वांचल के बारे में जब अलग राज्य की बात होती है तो निष्क्रिय बन जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, वो कुछ करती नहीं। अगर इनके अंदर ईमानदारी है, मुलायम सिंह के अंदर, मोदी जी के अंदर, तो हम पुरजोर मांग करते हैं कि पूर्वांचल राज्य को अलग किया जाए। जब तक पूर्वांचल राज्य अलग नहीं होगा तब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा। पिछले 30 सालों में पूर्वांचल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, सिर्फ छोटी छोटी योजनाओं पर ही बहस हो रही है। ऐसे में जानकार अलग राज्य की मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनकी माने तो विकास का ठोस खांचा खींचे बिना अलग राज्य का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरा ये है कि हम एक बात समझते हैं, देखिए अलग स्टेट बनाना तब तक कोई सोल्यूशन नहीं बनता है जब तक कि आपकी डेवलपमेंटल पॉलिसीज पूरे तौर से पुख्ता रूप से आपके दिमाग में ना हो और उस आंदोलन के दिमाग में ना हो जो अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तभी कहीं बनता है। जैसे एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मैं खुद एजुकेशन में हूँ, मैं देखता हूँ पूर्वांचल में एजुकेशन में बहुत गिरावट आई है शिक्षा में। यूपी में पृथक पूर्वांचल की मांग लंबे अरसे से जारी है और तमाम सियासी दलों ने इस मुद्दे का फायदा भी खूब लिया। चुनावी मौसम में बंटवारे का झुंझुना पकड़ाकर न जाने कितनी बार पूर्वियों के वोट लिए गए, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अलग राज्य बन जाने भर से पूर्वांचल विकास की राह पर सरपट दौड़ पड़ेगा या फिर पहले बने राज्यों की तरह ही विकास की जद्दोजहद एक अंतहीन रात की तरह चलती रहेगी। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। बात कर रहे हैं पूर्वांचल की उपेक्षा की और इसीलिए चुनावी मौसम आने से पहले सावधान पूर्वांचल। आपको बताएं पीएम मोदी 1 मई को बलिया पहुंच रहे हैं। बलिया में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसी योजना जिससे देश भर के गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। लेकिन जिस जमीन से इस योजना की शुरुआत होगी उस बलिया के हालात कैसे हैं, यह सवाल बड़ा है। बलिया में पीएम की यात्रा की तैयारी चल रही है। इंडिया 24/7 की टीम भी ग्राउंड रियलिटी की जांच के लिए बलिया पहुंची। एक मई को प्रधानमंत्री मोदी बलिया पहुंच रहे हैं। बलिया में प्रधानमंत्री उस योजना की शुरुआत करेंगे जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। प्रधानमंत्री बलिया की जमीन से 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने की योजना की शुरुआत करेंगे। बलिया की जमीन से शुरू हो रही इस योजना का लाभ देश के गरीब परिवारों को मिलेगा। लेकिन यही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बलिया समेत पूर्वांचल को वो सौगात मिलेगी जिसका पूर्वांचल को इंतजार है। प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से सांसद हैं। पूर्वांचल के लोगों को मोदी के वादों पर भरोसा था, तभी तो कभी चंद्रशेखर का गढ़ रहे बलिया में भी पिछले लोकसभा चुनाव में BJP का कमल खिला। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी अपना वादा पूरा करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता संभाले 2 साल पूरे होने को है, लेकिन लोगों को भी इंतजार है। तो ऐसा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं देखा गया है। जितनी भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं उन्होंने घोषणा की थी, अभी तक जमीनी स्तर पर कोई भी उसका काम देखने को जनता को फायदा नहीं मिला है। पूरे पूर्वांचल में एक जनाधार उभरा हुआ था नरेंद्र मोदी के पक्ष में, जिसको यह पूर्वांचल के लोगों को लूट करके दिल्ली चले गए और उसके बाद दिल्ली में यह बैठने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी पूर्वांचल की तरफ झांकने का काम नहीं किए। ये इंतजार महज 2 साल का नहीं है, आजादी के बाद से ही पूर्वांचल इंतजार कर रहा है। इंतजार विकास का है, इंतजार उद्योग धंधों का है। इंतजार में नौजवानों की उम्र ढल गई, लेकिन रोजगार नहीं मिला। आज पूर्वांचल सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसका इंतजार कब खत्म होगा।
अभी तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई योजना नहीं सुचारू रूप से चालू कर पाए लोग की, या तो विद्यार्थियों को या फिर व्यापारियों को या किसी भी आम जनमानस को उससे फायदा उपलब्ध या मिल सके। तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लग रहा कि अभी तक केंद्र सरकार अपने किए हुए वादों पर अग्रसर है, विकास की दिशा की तरफ ले जाना चाह रही है। पूर्वांचल में तो यहाँ कहने का केंद्र गवर्नमेंट योजनाएं भेज रही है, लेकिन कुछ न कुछ अड़ंगा प्रदेश गवर्नमेंट लगा दे रही है, जिससे विकास में कुछ न कुछ अवरुद्ध हो रहा है। यहाँ तो चाहिए कि मैंने जो केंद्र में गवर्नमेंट है उसी का प्रदेश में भी गवर्नमेंट रहे, तब पूर्वांचल का संभवतः पूर्ण विकास हो पाए। बलिया की पहचान कभी चंद्रशेखर से थी। चंद्रशेखर के बाद उनके बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में बलिया के राम गोविंद चौधरी मंत्री हैं। सवाल राज्य सरकार से भी है, लेकिन यहाँ सवालों का जवाब दूसरे सवाल से मिलता है। प्रधानमंत्री पूरे देश की योजना यहाँ पर लॉन्च करने आ रहे हैं। ये भी योजना जो है मनमोहन सरकार के समय की ही ये लॉन्च की हुई योजना है। तो अब कितना उसमें बलिया को लाभ मिलेगा, और तो जब बंट जाएगा उसके बाद में पता चलेगा कितना लोगों को लाभ मिला। अभी तो पूरे देश के लिए रिलीज करने आ रहे हैं। कोई भी सरकार की कोई नई योजना ऐसी नहीं है मोदी सरकार की कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कोई योजना बलिया तक पहुंची हो। अभी तक एक भी ऐसी योजना नहीं। विधानसभा 2017 के चुनाव की तैयारियों को लेकर अब सियासी दलों ने पूर्वांचल का रुख किया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम विपक्षी दलों के पूर्वांचल दौरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल में सियासत और भी गहराएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल के विकास का जवाबदेह कौन होगा। सूबे की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार की वजह से पूर्वांचल का विकास ठप है। केंद्र में शामिल नेता राज्य सरकार पर निशाना साधते हैं। इस राजनीति के बीच जमीनी हकीकत यही है कि बलिया समेत पूरा पूर्वांचल विकास का इंतजार कर रहा है। पूर्वांचल सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकारों और नेताओं की नजरे इनायत इन सब पर कब होगी। अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, बलिया।